वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलने के लिए हमारे हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि MSBTE रीचेकिंग रिजल्ट 2018 को किस प्रकार से चेक करना है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में जब बताया था आपको कि जिस लिंक से आपको अपना वेरिफिकेशन रिजल्ट चेक करना है वह लिंक एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से लिंक पर आपको जाके अपना वेरिफिकेशन रिचेकिंग का रिजल्ट देखना है और किस प्रकार से आप बिना किसी पासवर्ड के या फिर बिना किसी यूजर आईडी के अपना रिचेकिंग रिजल्ट MSBTE समर 2018 का चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं MSBTE का रिचेकिंग का वेरिफिकेशन रिजल्ट आपको समर 2018 के लिए किस प्रकार से चेक करना है। तो सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आप इंस्टीट्यूट लॉगिन और कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से देख तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर पासवर्ड होना साथ में आवश्यक है। लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट बिना किसी प्रकार के पासवर्ड के या फिर बिना किसी एप्लीकेशन आईडी एनरोलमेंट नंबर के अपना रिचेकिंग का रिजल्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जहां पर आपको इस पोस्ट पर आना है। इस पोस्ट पर आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर लिखा हुआ है MSBTE रिचेकिंग रिजल्ट 2018 विदाउट पासवर्ड डाउनलोड कैसे करें। तो आप सीधे यहां से इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और यहां पर पेस्ट करके उसे आप एनरोलमेंट नंबर दर्ज करके अपना रिचेकिंग का रिजल्ट देख सकते हैं। फिर भी अगर आप इस लिंक को नहीं कॉपी करते तो ऑफिशियल MSBTE की वेबसाइट पर जाइए। msbte.org.in की वेबसाइट ओपन होने पर आपको वेरिफिकेशन रिजल्ट के लिंक को ओपन करना होगा। वेरिफिकेशन रिजल्ट के लिंक के लिए आपको मेनू सेक्शन में एग्जामिनेशन सेक्शन के वेरिफिकेशन रिजल्ट समर 2018 लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक पॉपअप जनरेट होगा जो कहेगा आपको कि आपको बाहरी लिंक की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आपका समर 2018 के लिए सीट नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना है। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो आप सीधे अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करके अपना वेरिफिकेशन रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर दर्ज करते हैं सीधे सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप अपना रिचेकिंग का रिजल्ट देख सकते हैं, आप अपना वेरिफिकेशन का रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी 2 दिन के बाद रीअसेसमेंट का रिजल्ट जारी होने जा रहा है। MSBTE के वेबसाइट पर रीअसेसमेंट का ऑनलाइन रिजल्ट 19 जुलाई 2018 को जारी होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। 19 जुलाई को हम फिर से आपके लिए इसी प्रकार का रीअसेसमेंट रिजल्ट कैसे देखना है इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको इस प्रकार के सभी अपडेट चाहिए तो हमारे हिंदी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी एजु सपोर्ट चैनल आपको डेली एजुकेशन के सभी अपडेट्स देते रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।